रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? चारों ओर चर्चा मलाइका और अर्जुन की क्यों हो रही है? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मीखा। हमारे खास प्रोग्राम वायरल में आपका स्वागत है। एंड एज यू ऑल नो, वायरल शब्द से ही आप समझ गए हैं चारों ओर मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर, मलाइका अर्जुन की शादी, मलाइका अर्जुन की केमिस्ट्री, मलाइका अर्जुन का घूमना, मलाइका अर्जुन का सबके सामने रोमांस करना। ये सारी चीजें टॉक ऑफ द टाउन, टॉप ऑफ द टाउन बनी हुई हैं, नो डाउट। और इन सबके बीच में मलाइका अर्जुन की शादी को लेकर खूब सारा बस बना हुआ है। मलाइका अर्जुन की शादी जो 19 अप्रैल को होने वाली थी, मलाइका अर्जुन की शादी जो 19 अप्रैल में नहीं हुई, इसके पीछे की वजह अर्जुन के वर्क कमिटमेंट्स को बताया गया। मलाइका अर्जुन की शादी जो अब जून में होने की खबर आ रही है, इन सब के बीच शादी में बैरियर्स को लेकर एक खबर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। मलाइका अर्जुन की शादी में बैरियर बन के बैठ गए हैं पिता बोनी कपूर और लवली सिस्टर्स। इन सब के बीच में बैरियर के तार बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के साथ भी जुड़ गए हैं। कितना कुछ चल रहा है बी टाउन गलियारों में, कितना कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, कितना कुछ विच इज़ रिलेटेड टू मलाइका एंड अर्जुन हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी खास रिपोर्ट। टेक अ लुक। वेल, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर बी टाउन के गलियारों में फिलहाल यही दो तो हैं जिनके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर बी टाउन के गलियारों में ये दो ही तो हैं जिनके चर्चे सबसे ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। मलाइका और अर्जुन जिन्हें लेकर चारों ओर से खबरें आती ही जा रही हैं। और इन सबके बीच में कब होगी इन दोनों की शादी, कब ये दोनों आखिरकार एक दूजे के होंगे, कब यहाँ पर मलाइका और अर्जुन दोनों एक दूजे को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे, तमाम तरह की खबरें आती जा रही हैं। हम आपको बताने वाले हैं मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की शादी को लेकर आई कुछ ऐसी खबरों के बारे में जिन्होंने बी टाउन गलियारों में और साथ ही यहाँ पर फैंस के बीच भी हड़कंप मचा दिया। बताएंगे आपको कि ये जो वायरल खबर आई है इसके तार 19 अप्रैल के साथ जुड़े थे। याद ही होगा आपको, बीते कुछ समय पहले खबर ये आई थी कि 19 अप्रैल की तारीख आप नोट कर लीजिए, 19 अप्रैल को कैथोलिक रीति रिवाज से मलाइका और अर्जुन शादी करेंगे। इस तरह की खबरें आती गई और दिल थाम कर इनके तमाम प्रशंसक 19 अप्रैल का इंतजार करने लगे। हालांकि 19 अप्रैल से काफी ज्यादा आगे तारीखें जा चुकी हैं, शादी इन दोनों की फिर भी नहीं हुई। और ये शादी क्यों नहीं हुई? आखिर अप्रैल में प्लान्ड शादी अर्जुन कपूर ने क्यों टाल दी? क्या अर्जुन कपूर और मलाइका अब एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है? वेल, आपको बता दें 19 अप्रैल की टूटी हुई शादी को लेकर सबसे बड़ी खबर ये आई कि इस शादी को अर्जुन और मलाइका ने नहीं बल्कि बोनी कपूर ने पोस्टपोन किया। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, खबर तो यही आई थी कि अर्जुन कपूर के पिता बोनी कपूर और उनकी बहनें इस शादी को होने ही नहीं देना चाहती और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को साफ तौर पर कह दिया कि ये शादी नहीं होगी। वायरल खबरों के बारे में क्योंकि हम आपको बता रहे हैं तो वायरल खबर यही है। 19 अप्रैल की शादी का सच यही है कि शादी तो 19 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन पिता बोनी कपूर और अर्जुन की लवली सिस्टर्स ने मलाइका अरोड़ा को एक्सेप्ट नहीं किया एज अर्जुन वाइफ और इसीलिए इस शादी को 19 अप्रैल को होते हुए आप सभी नहीं देख पाए। अब इन सबके बाद बारी आती है शादी को लेकर जितने र्यूमर्स आ रहे हैं उन सब पर। तो भाई आपको बता दें, रिसेंटली परिणीति चोपड़ा ने इस शादी को लेकर एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया है। मलाइका और अर्जुन जिनकी शादी को लेकर, जिनके रिलेशन को लेकर ओपनली बोलने से अब खुद को बॉलीवुड की बेबू यानी एक्ट्रेस करीना कपूर खान भी नहीं रोकती हैं। करीना कपूर खान भी अब खुद से साफ तौर पर कह देती हैं कि जब भी मौका मिले उन्हें अर्जुन और मलाइका की शादी को बोलने का, वो चुपचाप से अपना स्टेटमेंट आगे रख देती हैं।
इन सब के बीच में रिसेंटली जब परिणीति चोपड़ा से किया गया सवाल, तो परिणीति चोपड़ा कहती हैं, ऐसा होने वाला है क्या? परिणीति चोपड़ा कहती हैं, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। परिणीति कहती हैं, मुझे तो इस तरह की कोई खबर मिली ही नहीं है। वेल, वहाँ करीना कपूर खान अपनी तरफ से कह देती हैं, दे आर डेटिंग ईच अदर। और परिणीति चोपड़ा कहती हैं, मुझे नहीं पता वो शादी कर रहा है या नहीं। और इन सब के बीच में आपको बताते हैं खुद अर्जुन कपूर क्या कहते हैं। अर्जुन कपूर से जब पूछा गया कि आप तो 19 अप्रैल को शादी करने वाले थे, ऐसा नहीं हुआ, और जून की खबरें आ रही हैं, तो अर्जुन कहते हैं, नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा, अभी सिर्फ 33 साल का हूँ और मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अगर मैं शादी करूंगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। आजकल एक हद के बाद कुछ भी छुप नहीं सकता। कयासों से कोई नुकसान नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर बार उन पर रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी नहीं है। इसे लेकर लगातार मैं रिस्पॉन्स दूँ तो वो भी थकाऊ हो जाएगा। इस टॉपिक पर जरूरत से ज्यादा गॉसिप हो चुके हैं, लेकिन मेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं। बता दें आपको, इसी इंटरव्यू में, इसी कन्वर्सेशन में अर्जुन कपूर से जब मलाइका को लेकर सवाल किया गया, तो अर्जुन ने कहा, मलाइका मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। शादी को लेकर वायरल हो रही एक के बाद एक खबरों के बीच जब मलाइका अरोड़ा से किया जाता है सवाल, तो मलाइका कहती हैं, ये सब कुछ बकवास है, इस तरह की बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। बता दें आपको, मलाइका अर्जुन के रिश्ते को, मलाइका अर्जुन की शादी को नहीं मिल रहा है फैमिली का सपोर्ट। एक तरफ इस तरह की खबरें होती रही हैं वायरल, एक तरफ ये तमाम खबरें एक के बाद एक आती रही हैं, और वहां दूसरी तरफ खबर ये भी आती है कि मलाइका और अर्जुन इन दोनों के रिश्ते को अपना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं बॉलीवुड के दबंग सलमान खान, और इस वजह से भी शादी जो है पोस्टपोन हो रही है। खैर, अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो मलाइका अर्जुन ही बेहतर जानते होंगे। वेल, आपको बता दें, वायरल दो सेलिब्रिटीज से जुड़ी चीजें हमेशा होती हैं। कभी सलमान ऐश्वर्या, कभी यहाँ पर अमिताभ रेखा, कभी यहाँ पर सलमान कैटरीना, कभी यहाँ पर ऐश्वर्या अभिषेक। और फिलहाल जितनी खबरें वायरल हो रही हैं, उन सब के तार मलाइका अर्जुन के साथ जुड़े हैं। खबरों में कितनी सच्चाई है, ये आप खुद कीजिए डिसाइड। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू अस, दे दीजिए मुझे इजाजत, रहिए अपडेटेड।